थ्री कोणम कैश रूल, त्रिस्तंभी रोकड़बई। तो त्रिस्तंभी रोकड़बई का मैंने बताया था कि तीन कोणम होते हैं अमाउंट के, कैश डिस्काउंट कैश ओल्ड बैंक, डेबिट साइड में अमाउंट के तीन कोणम और क्रेडिट साइड में, ठीक है। टोटल तो आपके 14 कोणम हो गए, बाकी कोणम तो और में आपके सिंपल कैश बुक में भी होते हैं। अब इसमें मैं आपको फिर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ थ्री कोणम कैश बुक। इसमें दे रखा है 1 जून 2016 को रोकड़ शेष, यानी कि 1 जून 2016 को रोकड़ थी, और रोकड़ है वो कितनी थी, 200 रुपये। पहले का वर्ष के प्रारंभ में या महीने के प्रारंभ में जो रोकड़ का वो शेष होता है डीआर साइड में दिखाया जाता है, और उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी, किस कॉलम में, कैश कॉलम में, 200 है तो 200, क्योंकि प्रश्न में इतना दे रखा था रोकड़ शेष 200। इसके बाद में दे रखा है 3 जून को बैंक में जमा कराए। अब देखो मैंने बताया था कि बैंक में जमा कराए तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक में जमा कराए तो हमें एंट्री है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि पानी वाला कौन है, बैंक, तो पानी वाले को डेबिट करो, और व्यापार से क्या जा रहा है, कैश, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, तो बैंक और कैश दोनों है एंट्री के अंदर, तो जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों होते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो हमने क्या है, ये एंट्री है 3 जून को, हमने पहले एंट्री में बैंक को डेबिट किया, तो बैंक कॉलम के किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, लेकिन नाम किसका आ जाएगा आपके, कैश का, बैंक कॉलम में अमाउंट किस में आएगा, बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक को हमने डेबिट किया तो बैंक के, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें लिख देंगे सी। इसके बाद में देखो एंट्री में हमने कैश को क्रेडिट किया है, तो 3 जून कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में नाम किसका जाएगा, बैंक का, तो कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपए। एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें लिख देंगे सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री, इसकी पहचान यही, ये हो गई 3 जून को एंट्री। इसके बाद में दे रखा है कि जे को भुगतान किया 2400 रुपए और 100 रुपए की छूट प्राप्त की। देखो जे को भुगतान किया तो पाने वाला कौन है इसमें, जे, ठीक है, और कैसे भुगतान किया, चेक से भुगतान किया है, तो पाने वाला जे है और भुगतान हमने चेक से किया है तो चेक का पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक, तो देने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, भुगतान किया और बट्टा प्राप्त किया, बट्टा प्राप्त किया है तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बट्टा प्राप्त करते हैं तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है वास्तविक खाते के नियम के अनुसार, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, जे अकाउंट डी आर टू बैंक टू डिस्काउंट, ये एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, जे अकाउंट डी आर टू बैंक और टू डिस्काउंट। देखो एंट्री में हमने बैंक और डिस्काउंट दोनों को क्रेडिट किया है तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डिस्काउंट और बैंक कॉलम में, नाम किसका आ जाएगा, जे का, और इसमें डेट है आपके 4 जून, तो 4 जून जे अकाउंट, और 2400 रुपये बैंक कॉलम में आ जाएगा और 100 रुपये आपके डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। एंट्री क्या बताई थी मैंने, जे अकाउंट डीआर टू बैंक टू डिस्काउंट, तो बैंक और डिस्काउंट दोनों को क्रेडिट किया था इसलिए डिस्काउंट और बैंक को हम के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का, यानी कि जे का, ठीक है। इसके बाद में देखा है एम से चेक प्राप्त हुआ 1960 रुपये और 40 रुपये का बट्टा दिया, एम से चेक प्राप्त हुआ है। अब देखो चेक प्राप्त हुआ है, इसमें यह नहीं रखा कि चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, इसका मतलब चेक हमारे पास ही है और चेक को हम क्या मानते हैं, कैश, तो यानी कि कैश आ रहा है और देने वाला कौन है, एम, एम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कैश अकाउंट डीआर टू एम, लेकिन हमने बट्टा भी दिया है, बट्टा दिया है तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो इसका मतलब है एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू एम, कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू एम, लाइन क्या थी अपना, ट्रांजेक्शन क्या था,
एम से चेक प्राप्त किया 1960 रुपए का और 40 रुपए का बट्टा दिया, ये था ट्रांजेक्शन 6 जून को, ठीक है। तो 1960 रुपए हमने कैश और डिस्काउंट दोनों को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 6 जून को, नाम किसका आ जाएगा, एम का। तो कैश कॉलम में 1960 रुपए और 40 रुपए डिस्काउंट कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगी इसकी एंट्री। इसके बाद में देखा आगे, मजदूरी चुकाई 500 रुपए। देखो मजदूरी चुकाई तो हम एंट्री क्या करेंगे, वेजेज अकाउंट या टू कैश, हमने कैश को क्रेडिट किया है क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, वेजेज का, 8 जून। और मजदूरी कितनी चुकाई, 500 रुपए, किस कॉलम में, कैश कॉलम में, ठीक है, ये कैश कॉलम में आ गया। इसके बाद में देखो आपके आगे दे रखा है, नकद माल क्रय किया 1200 रुपए 10 जून को, नकद माल खरीदा, एंट्री क्या दे रखी है, नकद माल क्रय किया 1200 रुपए, नकद माल खरीदा तो माल आ रहा है, रुकड़ जा रही है, वस्तुगत खाता एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता। तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, ये एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। तो देखो हमने कैश को क्रेडिट किया है तो किस कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, परचेज का। और हमने माल जो खरीदा है कितने का खरीदा है, 1200 रुपए का, तो 10 जून क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश को हमने क्रेडिट किया था क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, परचेज का, कैश कॉलम में 1200 रुपए, ठीक है, ये हो जाएगा आपके 10 जून। इसके बाद में दे रखा है स्टेशनरी के चुकाए 300 रुपए। देखो स्टेशनरी के चुकाए तो नकद ही होता है, इसमें उधार का तो है ही, चुकाने का दे रखा है, स्टेशनरी क्या खर्चा है, खर्चे जितने भी होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं, मजदूरी किराया ब्याज स्टेशनरी का खर्चा कुछ भी हो, खर्चों को सबको हम डेबिट करते हैं, तो स्टेशनरी तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन व्यापार से क्या जा रहा है, कैश, कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो हम एंट्री है वो क्या कर देंगे, स्टेशनरी अकाउंट डी आर टू कैश। और ये ट्रांजेक्शन हुआ था 12 जून को, तो 12 जून हमने कैश को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, स्टेशनरी का, ठीक है, और 300 रुपए आपके कैश कॉलम में आ जाएंगे, ये आपकी इसकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में देखा है कि जय को चेक द्वारा चुकाया, ठीक है, 750 रुपए और 50 रुपए की छूट प्राप्त हुई। देखो 15 जून को दे रखा है जय को चुकाया, जय को 750 रुपए चेक द्वारा चुकाया, ये ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना उसी के अनुसार क्योंकि हमारी एंट्री करनी है। जय को 750 रुपए चेक द्वारा चुकाया और 50 रुपए की छूट प्राप्त की। तो देखो इसमें पाने वाला कौन है, जय, तो जय को तो हम डेबिट कर देंगे। चेक द्वारा भुगतान किया तो भुगतान करने वाला कौन है, बैंक, देने वाले को क्रेडिट करो, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री। और दूसरा बट्टा हमने प्राप्त किया है तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जय अकाउंट डीआर टू बैंक और टू डिस्काउंट। तो बैंक और डिस्काउंट दोनों को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका आ जाएगा, जय का, ठीक है, 15 जून। और 750 रुपए बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक द्वारा भुगतान किया है बैंक को किया ना, और 50 रुपए का बट्टा है तो डिस्काउंट कॉलम में आपके आ जाएगा 50 रुपए, बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी। इसके बाद में दे रखा है बैंक से निकाले 640 रुपए, बैंक से 640 रुपए निकाले, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, बैंक में जमा कराए या बैंक से निकाले कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बैंक से निकाले 640 रुपए हम एंट्री क्या करेंगे, देने वाला तो बैंक है तो बैंक को तो क्रेडिट कर देंगे, और क्या आ रहा है, कैश, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, दोनों हो गए एंट्री में, कैश और बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री हुई। तो कैश को हमने डेबिट किया है तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, 640 रुपए है तो कैश कॉलम में 640 रुपए, कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें लिख देंगे सी, और एंट्री में
हमने बैंक को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम किसका जाएगा? कैश का। 640 रुपए बैंक कॉलम में, अमाउंट तो बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि नाम लेजर के नियम के अनुसार नाम उसका नहीं लिखा जाता है। एंट्री में हमने बैंक को क्रेडिट किया था तो बैंक कॉलम में 640 लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? कैश का। जनरल से हम लेजर बनाते हैं वो नियम, ठीक है। और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो LF वाला जो कॉलम है इसमें लिखना जरूरी है, इससे मालूम चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है 18 जून को। नकद विक्रय यानी कि नकद माल बेचा, नकद माल बेचा है तो कैश आ रहा है, माल जा रहा है, एंट्री क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स 20 जून को। कैश को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? सेल्स का आ जाएगा। और माल हमने कितने का बेचा है? 340 का, कैश कॉलम में, ठीक है। ये हो गए 20 जून को। इसके बाद में दे रखा है निजी प्रयोग हेतु निकाले 400 रुपए। निजी प्रयोग हेतु निकाले, घर के लिए निजी प्रयोग हेतु निकाले जाते हैं, ड्राइविंग हमेशा डेबिट होता है, सोचने की जरूरत नहीं है। और व्यापार से पैसा जा रहा है, व्यापार से पैसा जाता है तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइविंग अकाउंट डीआर टू कैश। अच्छा, अब देखो इसमें 400 रुपए जो निकाले हैं 24 जून को, हमने कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? ड्राइविंग्स का, क्योंकि नाम विपरीत पक्ष का आता है। 400 रुपए कैश कॉलम में, ठीक है। निजी प्रयोग हेतु निकाले, ये थी इसकी एंट्री। तो ड्राइविंग्स अकाउंट डीआर टू कैश, कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में नाम आ गया ड्राइविंग्स। इसके बाद में देखो फिर 24 जून को दे रखा है राम से प्राप्त हुए 3600 रुपए और 150 रुपए का बट्टा दिया। राम से प्राप्त हुए 3600 रुपए तो देने वाला राम है, देने वाले को क्रेडिट करो। क्या रहा है हमारे पास? कैश, कैश को डेबिट कर देंगे, लेकिन बट्टा दिया तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू राम, कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू राम। 24 जून को ही है तो 24 जून हमने कैश और डिस्काउंट दोनों को डेबिट किया तो डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और नाम किसका आ जाएगा? राम का, राम। तो 3600 रुपए हमने कैश प्राप्त किया तो कैश कॉलम में 3600 रुपए आ जाएगा। 150 रुपए हमने बट्टा दिया तो डिस्काउंट कॉलम में 150 रुपए आ जाएगा। ये इसका हो गया। इसके बाद में फिर दे रखा है 25 जून को फिर बैंक में जमा कराए। 25 जून को बैंक में जमा कराए, कॉन्ट्र एंट्री हो गई। एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। और कितने जमा कराए? 400 रुपए। तो बैंक को हमने डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? कैश का, बैंक कॉलम में 400 रुपए। और LF वाले कॉलम में लिख देंगे सी, कॉन्ट्रा एंट्री है। और दूसरा, हमने एंट्री क्या की थी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, कैश को हमने क्रेडिट किया है तो कैश कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा? बैंक का, ठीक है। तो कैश कॉलम में आपके 400 रुपए। और ये आ गया आपके 25 जून। तो LF वाला जो कॉलम है इसमें भी हम लिख देंगे सी, ठीक है। 25 जून को दोनों में लिखना जरूरी है, दोनों साइड में। 27 जून वेतन चुकाया 650 रुपए, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। 27 जून कैश को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? सैलरी का, ठीक है। 650 रुपए कैश कॉलम में। ट्रांजेक्शन क्या था? वेतन चुकाया तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, तो कैश को क्रेडिट किया, कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में नाम आ गया सैलरी का, ठीक है। इसके बाद में लास्ट ट्रांजेक्शन है इसमें 30 जून को कार्यालय प्रयोग हेतु चेक से निकाले। कार्यालय प्रयोग हेतु, कार्यालय ऑफिस का है व्यापार में, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। 30 जून को कितने निकाले हैं? 600 रुपए। तो 30 जून को देखो तो व्यापार में क्या रहा है? कैश। एंट्री क्या कर देंगे? कैश अकाउंट या देने वाला कौन है? बैंक। कैश अकाउंट या टू बैंक, कैश को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? बैंक का, ठीक है। तो कैश कॉलम में 600 रुपए, कॉन्ट्रा एंट्री है तो LF वाला में लिख देंगे सी। और हमने बैंक को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में,
और नाम किसका आ जाएगा, कैश का, 600 रुपए बैंक वाला। ये आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम इसका टोटल लगा, देखो इसमें एक ट्रांजेक्शन छूट गया था, 30 जून को नकद माल बेचा, नकद माल बेचा तो हम एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट या टू सेल्स, कैश को हमने डेबिट किया है डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, सेल्स का, और माल बेचा है 12,000 का, तो कैश कॉलम में आ जाएगा 12,000। अब कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे, कैश का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आता है, बैंक का किसी भी साइड का ज़्यादा आ सकता है। तो अब टोटल देख लेते हैं, डेबिट साइड का डिस्काउंट भी दो ही बताए 40, 150, 190 आ जाएगा, और कैश कॉलम का हमने डेबिट साइड का टोटल लगाया, इसका डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है 19,140। कैश कॉलम का देखो, कैश कॉलम का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 13,450, तो 13,450 है वो हम घटा देंगे 19,140 में से, तो कितना बच गया, 5,690। यानी कि 30 जून को हमारे पास कैश बैलेंस है वो 5,690 बच गया, तो इसको किस नाम से कह देंगे, बाई बैलेंस सी डी, 5,690 कैश कॉलम में, 5,690। अब इसका टोटल इसके बराबर आ गया 19,140 रुपये। अब बैंक का देखो, बैंक का डेबिट साइड का टोटल है ये आ रहा है 10,400, डेबिट का ज्यादा आ रहा है इसमें, और क्रेडिट साइड का आ रहा है 4,390, तो क्रेडिट साइड का जो 4,390 इसमें से कटा दो 10,400 में से, ये बच गया 6,010, तो बैंक बैलेंस है वो बच गया इसमें 6,010। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका टोटल भी आपके ये आ जाएगा 10,400, और डिस्काउंट में इसमें दो बने हैं, इसका जितना टोटल आता है उतना ही लिख देते हैं, इसका बैलेंस नहीं निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया, 3 कॉलम क्वेश्चन।